दोस्तों पास्ट एग्जाम्स को चैप्टर के साथ साथ कवर करना हर बच्चे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चीज को नॉर्मली पोस्टपोन कर देते हैं सभी, क्योंकि लगता है कि अभी टाइम वेस्ट होगा कि चैप्टर के साथ साथ पेपर को सॉर्ट करो कि इसमें से कोई क्वेश्चन आया या नहीं। तो ये सारा काम आपके लिए, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होगे, हम आपके लिए अपडेट करके लाए हैं हमारे सारे एनालाइजर। जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने मई 18, नवंबर 18 और मई 19 तीन पेपर का एनालाइजर तैयार किया था, तो इस बार नवंबर 19 के पेपर को इंक्लूड करके चार पास्ट एग्जाम का एनालाइजर अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनालाइजर कौन कौन सी क्लास के लिए अवेलेबल है, उसके बाद फटाफट बताऊंगा कि एनालाइजर चीज क्या है, आप कैसे इसके साथ अपने चैप्टर को पास्ट जो पेपर आए हैं वो चैप्टर वाइज आप उनको कर सकते हो और पेपर को कैसे एनालाइज करोगे। तो सबसे पहले बता देता हूं, फाउंडेशन वाले बच्चों के दो पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, दोनों पेपर के लिए एनालाइजर अवेलेबल रहेगा। सीए इंटर मींस न्यू सिलेबस, आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस, आपके सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, फाइनल ओल्ड के भी सारे अवेलेबल हैं और फाइनल न्यू में सिर्फ एक इलेक्टिव को छोड़कर सात पेपर हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। आप कोई भी बच्चा किसी चीज का भी जो एनालाइजर है हमारी वेबसाइट पर जाकर इसको सर्विस को अवेल कर सकता है। लास्ट टाइम भी एक नॉमिनल सी कॉस्ट थी, इस बार भी बिल्कुल नॉमिनल सी कॉस्ट में हम आपको ये सारे रेंज करवा के दे रहे हैं। अब देखो ये एनालाइजर को आपने यूज कैसे करना है। अब मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में एक खोल रहा हूं, जहां पर ये सीए फाइनल कोर्स का डायरेक्ट टैक्स का एनालाइजर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले तो लेफ्ट साइड पर क्या होगा, आपको ऊपर जैसे पेपर मेंशनड है, ये मई 18 का पेपर का एनालाइजर है, तो लेफ्ट साइड पर सारे चैप्टर आईसीए के मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली सीरियल ऑर्डर में मेंशन किए हुए हैं। तो अगर मैं देखना चाहता हूं कि मई 18 के पेपर में मान लो हमारा चैप्टर नंबर 8 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें से कोई क्वेश्चन नंबर आया है या नहीं, तो मैं देख रहा हूं वहां क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ है, इसका सी पार्ट है और ये 6 नंबर का आया था, तो मुझे सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सजेस्टेड आंसर तो हम लोग नॉर्मली आईसीए की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेते हैं कि पेपर को आंसर देखने हुए हूं जो भी हमने देखना होता है सारा उसका, या डाउनलोड करके रख लेते हैं अपने पास, कई बच्चे प्रिंट कराकर रखते हैं अपने पास इजिली स्टडी करने के लिए, तो वहां पर आपको सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। एनालाइजर के पेज से देखो और सीधा वो क्वेश्चन खोलो, आप वो कर सकते हो। अब मैं देखना चाहता हूं कि मैं चैप्टर कर रहा हूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अब मई 18 के पेपर का क्वेश्चन मैंने कर लिया, अब देखो नवंबर 18 का पेपर, अब आप अदरवाइज सारा नवंबर 18 का पेपर का एक एक क्वेश्चन देखोगे, आप सीधा एनालाइजर से देखो कि क्या नवंबर 18 के पेपर में अदर सोर्स में से कोई क्वेश्चन आया या नहीं आया। ऐसे ही मैं आगे देखूंगा मई 19 में कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन नंबर आया और वो कितने मार्क्स का आया, ये सारा चीज आपको एनालाइजर ऑटोमेटिकली एनालाइज करके देगा। हमने पूरा प्रॉपरली कॉलम वाइज में सिंपल फॉर्म में बनाया हुआ है और लास्ट शीट जो आपके पास रहेगी उसमें चारों पेपर का कंपैरिजन रहेगा। ये देखिए मई 18, नवंबर 18, मई 19 और नवंबर 19, ये कंपैरिजन हमें क्या बताएगा, मान लो पर चैप्टर, वहां तो हमारे पास आ रहा था इंडिविजुअली, जैसे इस चैप्टर में से किसी किसी चैप्टर में से दो दो क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे ये चैप्टर नंबर 12 है, पहला क्वेश्चन भी आया है दूसरा भी आया है, तो टोटल इस चैप्टर में से 22 मार्क्स का आया है नवंबर 19 में, तो यहां पर वो टोटल रहेगा कि किस चैप्टर में से टोटल कितना पेपर कौन से ईयर में आया हुआ है। तो आप यहां से देख सकते हो कि टोटल पेपर एग्रीगेट मार्क्स चारों बार का मिलाकर कितना उस चैप्टर में से आ चुका है। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूं चैप्टर नंबर 11 में से टोटल आया हुआ है 24 मार्क्स का पिछले चार अटेम्प्ट का मिलाकर। तो यही चीज आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये एडवांस अकाउंटिंग का है सीए इंटर ग्रुप 2 का न्यू सिलेबस का, तो ये भी बिल्कुल वैसे देखिए, चाहे कोई चैप्टर न्यू ऐड हुए हैं चाहे डिलीट हुए हैं, वो ऑलमोस्ट सारे कलर मेंशन मैंने किए हुए हैं कि ब्लू वाले न्यू ऐड हुए हैं, रेड वाले डिलीट हुए हैं या शिफ्ट हो गए इधर उधर। उसके अलावा जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं ये फाउंडेशन के अकाउंट्स का है, हर एनालाइजर को एक ही फॉर्मेट में हमने रखा हुआ है जिसमें चार पेपर एनालाइज है, उसके बाद लास्ट शीट आपकी डिटेल्ड एनालिसिस की आ जाती है जहां पर आप चारों बार का टोटल देख सकते हो कि कौन से अटेम्प्ट में से टोटल कौन से चैप्टर में से पेपर कितना आ रहा है। तो ये हो गया एनालाइजर की बात, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कौन कौन सी क्लास के लिए अवेलेबल है। हाँ, अब ये आप फैसिलिटी अवेल कैसे कर सकते हो, पहले तो ये बता देता हूं जितने हमारे क्लब के मेंबर हैं, मींस राइप स्टडी क्लब जिन्होंने ज्वाइन किया है फॉर मई 20 एग्जाम्स के लिए, अभी चलो चाहे वो जून में हो गए हैं, उनको तो हमने पहले ही बोला था क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मई 19 तक के एनालाइजर गए हुए हैं, आपको अपडेट करके हम भेज देंगे, तो नवंबर 19 की जो शीट है वो आपको एक आधे दिन में मेल में मिल जाएगी, तो आपका जो एनालाइजर है वो अपडेटेड हो जाएगा। जिन बच्चों ने मई 20 के लिए एनालाइजर बाय कर लिया था, हमने उनको बोल दिया था कि आपको भी अपडेटेड शीट हम भेज देंगे, क्योंकि आप मई 20 के लिए बाय कर रहे हो तो आपको अपडेट करना हमारी ड्यूटी है, उनको भी अपडेट वाली नवंबर 19 वाली शीट सेपरेटली आ जाएगी।
बाकी जो न्यू बच्चे हैं वो आप हमारी वेबसाइट पर आओगे riperswell.in, तो देखिए हमारी सबसे पहले दिखा देता हूं कि ये मेन पेज आपको मिलेगा riperswell.in साइट पर आओगे तो हमारा जो मेन फ्रंट होम पेज है ये मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि ये हमारा होम पेज आ जाएगा। तो यहां पर नॉर्मली बच्चों को पता ही है कि सारे बच्चों ने नॉर्मली विजिट किया होता है, तो यहां पर देखिए हमारे पास राइप लाइफलाइन सीरीज की ऑप्शन है, आप चाहे ऊपर से मेन्यू से खोल सकते हो, आपको राइप लाइफलाइन सीरीज में आना है। तो यहां पर देखिए हमारी सारी डिटेल रहती है, डाउनलोड नाउ पर क्लिक करोगे जो सारी डिटेल है सर्विसेज की, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो डाउनलोड नाउ पर क्लिक करोगे तो ये सर्विसेज की लिस्ट में अभी आपको दो मिनट में बता देता हूं कि यहां पर एनालाइजर की ऑप्शन कहां पर है। हाँ, ये फॉर्म जो है फॉर्म नंबर वन आपको फिल करना है, फॉर्म नंबर वन फिल करोगे तो आपको पीडीएफ में मेल में आपको एनालाइजर भेज दिया जाएगा, मतलब सॉफ्ट कॉपी आएगी। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि एनालाइजर अगर आप बाय करना चाहते हो, ये देखिए टोटल सारी ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, जैसे स्मार्ट एडवाइस है, किसी ने स्मार्ट एडवाइस के साथ एनालाइजर लेना है, किसी ने स्मार्ट एडवाइस एनालाइजर के साथ प्लानर भी लेना है, पर्सनलाइज प्लानर जो है, किसी ने सिर्फ स्मार्ट एनालाइजर लेना है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, वो ये कॉस्ट है। देखिए सिंगल रूप मतलब आपके चार पेपर कवर्ड हैं 300 में। अब यहां पर अगर कोई बच्चा, मैं दोबारा बता देता हूं कि कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिटेल वैसे नीचे दी भी हुई है, फाउंडेशन के दो ही अवेलेबल हैं, तो फाउंडेशन वाले बच्चे को सिंगल ग्रुप के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है फॉर्म में, तो उसको 300 कॉस्ट रहेगी उसकी। फाइनल वाला न्यू सिलेबस वाला बच्चा, उसका पेपर नंबर 6 नहीं कवर्ड है, उसको भी तीन जो एनालाइजर है वो 300 में अवेलेबल है। बाकी जो ग्रुप वन वाला बच्चा है, बाकी कोई भी बच्चा होगा, सिंगल ग्रुप वाले के चार पेपर होते हैं तो आपको 300 में चारों के चारों पेपर अवेलेबल है। बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे को 600 नहीं 500 में आपके 8 के 8 पेपर अवेलेबल रहेंगे। तो ये हमारी बाकी फैसिलिटीज भी एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। स्मार्ट एडवाइस की फैसिलिटी अवेलेबल है, बाकी आप सारा डाउनलोड नाउ वाले पेज को खोल के देख सकते हो। स्मार्ट एडवाइस के साथ एनालाइजर लेना चाहते हो कि एनालाइजर के साथ हमें एडवाइस भी चाहिए क्या करें कैसे करें, डिटेल्ड पर्सनलाइज प्लानर भी चाहिए कि हमें प्लान भी बना के दो दिन के हिसाब से, रोज की स्टडी कैसे करें एग्जाम तक के टाइम का 2-2.5 महीने का, तो वो ये सर्विस रहती है स्मार्ट एडवाइस इंक्लूडिंग प्लानर एंड एनालाइजर। अब ये रह गया सिर्फ स्मार्ट एनालाइजर। हाँ, प्लानर नॉर्मली एक आधा दिन लग जाता है बनाने को अगर आप प्लानर की सर्विस को ऑप्ट करते हो। ये पूरा प्रोसीजर मैंने मेंशन किया हुआ कि कैसे प्लानर के लिए हम आपके द्वारा आपके साथ टाई अप करते हैं। तो ये स्मार्ट एडवाइस एनालाइजर कौन कौन से अवेलेबल हैं, जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो मैंने बता दिया कि आप फॉर्म नंबर वन को ओपन करोगे और ये जहां पर हमारी लाइफलाइन सीरीज की ऑप्शन है यहीं पर क्लिक हियर को क्लिक करोगे तो ये रजिस्ट्रेशन वाले दो फॉर्म आ जाते हैं। सेकंड फॉर्म सिर्फ क्लब वाले बच्चों के लिए क्योंकि उनको कॉल बैक की सर्विस चाहिए होती है। तो जो नॉर्मली न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप नई सर्विस अवेल कर रहे हो एडवाइस की, एनालाइजर की, या फिर हमारा हो गया आपकी जो सर्विस है प्लानर की न्यू सर्विस है, तो आपको फॉर्म वन फिल करके उसी के अंदर पेमेंट की ऑप्शन है वो आप सबमिट करोगे तो नॉर्मली कोशिश होती है कि सेम डे आपको मेल भेज दी जाए। तो ये था सारा अपडेट एनालाइजर को लेकर। तो मेरे ख्याल से ये बहुत काम की चीज है जो आपका काफी टाइम सेव करती है और आपके काम को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क जो प्ले करने में रोल प्ले करती है। तो चलिए ये आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अब मिलूंगा आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में नई नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपने काम में डटे रहें। थैंक यू सो मच।